हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल फ्लोरा एंड फौना लव। मैं हूँ कोमल और आज के इस वीडियो में हम मेथी उगाने के बारे में बात करेंगे। मेथी बेसिकली कूल सीजन क्रॉप है, यानी कि इसे ठंड में ही उगाया जाता है क्योंकि फ्रॉस्ट और फ्रीजिंग वेदर को आसानी से टॉलरेट कर लेती है। अगर आपके एरिया में बहुत ज़्यादा बारिश होती है तो आप प्लीज़ इसे लगाना अवॉइड करें क्योंकि अच्छे से नहीं उग पाएगी ऐसे एरिया में। मेथी लगाने के लिए हमें चाहिए कि जो पॉटिंग मिक्स, जो सॉइल हम तैयार कर रहे हैं, उसमें हम 70% गार्डन सॉइल ले सकते हैं और 30% मैंने यहाँ पे बकरी की खाद ली है। आप बकरी की खाद की जगह पे कंपोस्ट भी ले सकते हैं, काउडंग मैन्योर भी ले सकते हैं। ये सीड्स मैंने अपने किचन से ही लिए हैं। अगर आप कसूरी मेथी उगाना चाहते हैं तो उसके लिए सीड्स आपको मार्केट में इजीली अवेलेबल हो जाएंगे। इसके सीड्स को लगाने का सही तरीका ये होता है कि आप इसे हाथों से छिड़क छिड़क के लगाएं, इस तरह से स्प्रेड करते हुए लगाएं, किसी एक जगह डिग करके ना लगाएं। उसके बाद इसे सॉइल से कवर करें। सॉइल की 1 सेंटीमीटर थिक लेयर हमें बनानी है इसके ऊपर और इस तरह से कवर करना है कि कोई भी सीड हमारा एक्सपोज ना रहे। सॉइल से हम अच्छे से इस तरह से कवर करेंगे और कोशिश हमें ये करनी है कि सॉइल के लंप्स यानी कि गठले ना रहें क्योंकि फिर सीड जर्मिनेशन में प्रॉब्लम आती है। सॉइल से कवर हमने कर दिया है, इसके बाद अब हम इसे मॉइस्ट करेंगे। पानी हम इस तरह से हाथों से छिड़क छिड़क के डालेंगे। आप चाहें तो स्प्रे भी कर सकते हैं, बट मैं सजेस्ट करूंगी कि मग से या पाइप से आप एक साथ बहुत सारा पानी ना डालें क्योंकि उससे क्या है सीड्स की पोजीशन डिस्टर्ब हो जाती है। तो इस तरह से आप थोड़ा थोड़ा पानी डाल दीजिए ताकि मॉइस्चर मेंटेन रहे सॉइल में। ये जो मेथी आप देख रहे हैं ये 10 डेज पहले मैंने इसके सीड्स लगाए थे। आप देख सकते हैं 10 दिनों में छोटी छोटी पौध निकल के आई है। अभी इस बकेट में जो मेथी लगाई है इसके सीड्स मैंने 25 डेज पहले लगाए हैं। ऑल्दो ये पूरी रेडी नहीं हुई है अभी, लेकिन फिर भी हम थोड़ा बहुत इसमें से हार्वेस्ट कर सकते हैं। मेथी मैंने 35 डेज पहले लगाई थी और आप देख सकते हो 35 डेज में ही ये अच्छे से तैयार हो गई है हार्वेस्टिंग के लिए। मेथी हार्वेस्ट करते टाइम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात हमें ध्यान रखनी है कि कभी भी हम इसका प्लांट जो है वो अप्रूट ना करें, यानी कि जड़ से ना निकालें। हम कैंची से ऊपर से कट कर दें, जैसा कि मैंने इस बास्केट में कर रखा है। मैंने हर एक मेथी के पौधे को ऊपर से कैंची की मदद से कट कर दिया था। इसका बेनिफिट ये होता है कि इसमें नया फुटाव आ जाता है, नई पत्तियां आने लग जाती हैं। ऐसा करने से हम दोबारा बीज लगाने की जो मेहनत है उससे बच जाते हैं और हमारा काम आसान हो जाता है। मेथी लगाने का सबसे सूटेबल टाइम होता है अक्टूबर मंथ का लास्ट वीक। इवन आप इसे नवंबर और दिसंबर में भी लगा सकते हैं। आपको ये ध्यान रखना है कि इसकी सॉइल में एक तो ऑर्गेनिक कंटेंट बहुत अच्छे से होना चाहिए और एक ड्रेनेज प्रॉपर होना चाहिए, यानी कि जिस भी कंटेनर में आप मेथी लगा रहे हैं उसके नीचे एक होल करके उसे स्टोन से कवर कर दीजिए। तो इस तरह से आप देख सकते हैं मेथी लगाना बहुत ही आसान है। मैं सजेस्ट करूंगी कि आप लोग भी अपने गार्डन में मेथी जरूर लगाएं। वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स अ लॉट, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।